नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गुड न्यूज वर्सेस हाउसफुल 4 डे 8 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बताएंगे इन दोनों फिल्मों का आठवें दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और साथ ही साथ बताएंगे आठवें दिन इन दोनों में से कौन सी फिल्म ने की ज्यादा कमाई, कौन सी फिल्म ने मारी बाजी। मगर दोस्तों उससे पहले, अगर आप सुपरस्टार अक्षय कुमार के फैन हैं, उन्हें पसंद करते हैं, उनकी फिल्मों को पसंद करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि आपको फिल्म और एंटरटेनमेंट से जुड़ी सभी जानकारियां मिलती रहे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं हाउसफुल 4 मूवी की। दोस्तों हाउसफुल 4 एक इपिक रेनकॉर्नेशन कॉमेडी फिल्म है, जिसके डायरेक्टर है फरहाद सामजी और इसे प्रोड्यूस किया था साजिद नादियाडवाला ने। और इसके स्टार कास्ट में मुख्य किरदारों में नजर आए थे सुपरस्टार अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, बॉबी देओल, कृति सेनन, पूजा हेगड़े, कृति खरबंदा, राणा डग्गुबती, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, चंकी पांडे, जॉनी लीवर और रंजीत जैसे एक्टर्स। और दोस्तों अगर बात करें इस फिल्म के लिए रिव्यूज की, तो दोस्तों आपको बता दें कि इस फिल्म को क्रिटिक्स का खराब रिव्यूज मिले थे, मगर ऑडियंस के बहुत अच्छे रिव्यूज मिले थे और ऑडियंस का बहुत ही शानदार रिस्पॉन्स मिला था। दोस्तों इस फिल्म की कहानी और डायरेक्शन तो ठीक ठाक ही थे, मगर इस फिल्म का स्क्रीन प्ले बहुत अच्छा था और इस फिल्म में सुपरस्टार अक्षय कुमार सर ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। और दोस्तों अगर बात करें इस फिल्म के बजट की, तो आपको बता दें इस फिल्म का बजट है लगभग 175 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, 175 करोड़ रुपए। और दोस्तों आपको बता दें कि हाउसफुल 4 मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही है। जी हाँ दोस्तों, सुपरहिट। और इसे रिलीज किया गया था इंडिया में लगभग 3800 स्क्रीन पर, ओवरसीज में लगभग 700 स्क्रीन पर, यानी कि वर्ल्ड वाइड टोटल 4500 स्क्रीन पर। और दोस्तों अगर बात करें इसके आठवें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो दोस्तों आपको बता दें कि इसने अपने आठवें दिन इंडिया नेट पर कमाए थे लगभग 8.5 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, 8.5 करोड़ रुपए। और आइए दोस्तों अब बात करते हैं गुड न्यूज मूवी की। दोस्तों गुड न्यूज एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसके डायरेक्टर है राज मेहता, प्रोड्यूसर है हीरोज जौहर, करण जौहर, अपूर्वा मेहता, शशांक खैतान। और इस फिल्म के स्टार कास्ट में आपको मुख्य किरदारों में नजर आए हैं सुपरस्टार अक्षय कुमार, करीना कपूर खान, दिलजीत दोसांझ और कियारा आडवाणी जैसे एक्टर्स। और दोस्तों इस फिल्म को बहुत अच्छे रिव्यूज मिले हैं क्रिटिक्स के भी और ऑडियंस के भी। और दोस्तों इस फिल्म को ऑडियंस का बहुत ही शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है। और अगर बात करें इस फिल्म की कहानी की, तो दोस्तों इस फिल्म की कहानी को क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों ने ही बहुत पसंद किया है, बहुत तारीफें की है। और साथ ही साथ इस फिल्म के एक्टर्स को भी काफी तारीफें मिल रही है, काफी पसंद किया जा रहा है। और दोस्तों आपको बता दें कि इस फिल्म का बजट है लगभग 60 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, 60 करोड़। और इसे रिलीज किया गया था इंडिया में लगभग 3100 स्क्रीन पर, ओवरसीज में लगभग 700 स्क्रीन पर, यानी कि वर्ल्ड वाइड टोटल 3800 स्क्रीन पर। और दोस्तों आपको बता दें कि इस हफ्ते यानी कि इस फ्राइडे को भी कोई बड़ी फिल्म नहीं लगने वाली है। और दोस्तों गुड न्यूज मूवी ही बॉक्स ऑफिस पर राज करने वाली है और धमाकेदार कमाई करने वाली है। और अगर बात करें इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की, तो दोस्तों आपको बता दें इसने अपने सातवें दिन इंडिया नेट पर शानदार कमाई की और कमाए लगभग 10 करोड़ 20 लाख रुपए। और ये अपने आठवें दिन यानी कि आज भी अच्छी कमाई करने वाली है और इंडिया नेट पर कमाएगी लगभग 8 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, अपने आठवें दिन इंडिया नेट पर लगभग 8 करोड़ रुपए। तो दोस्तों अब तक की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के हिसाब से आठवें दिन ये दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस पर बराबर रहने वाली है। जी हाँ दोस्तों, ये दोनों ही फिल्में अपने आठवें दिन बराबर कमाई करने वाली है। दोस्तों आपको क्या लगता है आठवें दिन इन दोनों में से कौन सी फिल्म करेगी ज्यादा कमाई, कौन सी फिल्म मारेगी बाजी, गुड न्यूज या हाउसफुल 4? और दोस्तों अगर आपने ये दोनों फिल्में देखी है, तो आपको इन दोनों में से कौन सी फिल्म ज्यादा अच्छी लगी, आपको इन दोनों फिल्मों में किस एक्टर का काम सबसे ज्यादा अच्छा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक और शेयर जरूर करें।